सिवान में फिर से हो गया हत्या। पुलिस का मुखबिर बन पकड़वाया था, गांजा तस्करों ने मार डाला। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। पूरे इलाके में दहशत का माहौल कायम हो गया है। बिहार के सिवान से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सिवान जिले में अहले सुबह हुसैनगंज थाना क्षेत्र के छपिया गांव में तस्करों ने एक युवक को पुलिस का मुखबिर होने के शक में वाहन से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। घटना को अंजाम युवक के घर के सामने ही दिया गया। बाद में तस्कर गाड़ी लेकर फरार हो गए। मृत युवक की पहचान छपरिया बुजुर्ग निवासी जवाहर भगत के 20 वर्षीय पुत्र चंदन कुशवाहा के रूप में की गई है। पुलिस के अनुसार चंदन कुशवाहा का भी आपराधिक इतिहास है, जिसे पुलिस खंगाल रही है। चर्चा की माने तो मृतक कुछ दिन पूर्व पुलिस का मुखबिर बनकर किसी तस्कर का 40,000 की गांजा पकड़वा दिया था। इस घटना के बाद से गांजा के तस्करों से उसकी नहीं बन रही थी। बताते चलें कि माल जब्त होने के बाद से तस्करों द्वारा बार बार उक्त व्यक्ति को धमकी दी जा रही थी और जब्त गांजा का रकम मांगा जा रहा था। परिवार के लोगों ने आशंका व्यक्त की है कि नहीं देने की स्थिति में ही सोमवार की रात में साजिश करके तस्करों ने उसे गाड़ी से कुचलकर मार डाला और शव को दरवाजे पर फेंक दिया। परिजनों ने उसके दोस्तों पर ही हत्या का आरोप लगाया है और बताया कि यह घटना पुलिस का मुखबिर होने को लेकर हुई है। परिजनों का कहना है कि चंदन अपने दोस्त के साथ सोमवार की रात करीब 7 बजे ऑटो चलाने के लिए गया था। चंदन का दोस्त उसे बुलाने के लिए चंदन के घर आए थे, जिसके बाद वह घर से निकल गया, जबकि मंगलवार को चंदन के दरवाजे पर ऑटो में लादकर उसका दोस्त ही उसका शव रख दिया था। परिजनों द्वारा पूछने पर उसके दोस्त ने बताया कि उसका हथौड़ी में एक अनियंत्रित पिकअप के चपेट में आने से मौत हो गई। उसके बाद घर वालों ने उसके दोस्त को बंधक बना लिया। मृतक के भाई ने बताया कि जब हथौड़ी गांव में जाकर पता किया गया तो पता चला कि कहीं किसी का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की जांच करते हुए शव को बरामद करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जबकि उसके दोस्त जो नशे में थे। इस संदर्भ में थानाध्यक्ष विजय कुमार यादव ने बताया कि सूचना के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। हिरासत में लिए गए युवकों से पूछताछ की जा रही है। परिजन के आवेदन के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।